हेलो 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 चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो बेटा, हेलो गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और डिफेंस वाले बच्चे अपने डिफेंस के चैनल ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से। आज सेट नंबर हमारा 125 स्टार्ट होगा। एंड डू लाइक एंड शेयर। एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो सारे बच्चे मिलके। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आज आपकी ग्रामर की वीडियो भी अपलोड होनी है, तो इसलिए थोड़ा टाइम कम लेंगे हम लोग, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर देना स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन इज प्लमेट। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है बेटा, प्लमेट। प्लमेट का एक्सप्लेनेशन लेते हैं। प्लमेट एक बार लाइक और शेयर कर दो बच्चों जल्दी से, अपने अपने जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, अमेजोन वाले या डिफेंस वाले, वो सारे चैनल पे जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में भी एक बार जल्दी से शेयर कर दो सारे बच्चे। चलिए, तो बेटा प्लमेट का जो मतलब होता है, प्लमेट का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे सेंसेक्स होता है ना, या कोई भी चीज अगर तेजी से, जैसे मान लीजिए, सपोज करो मैं कहूं कि कोई भी चीज यहां है टॉप पे और वो अचानक से नीचे आती है, अचानक से किसी चीज का नीचे आना, अचानक से किसी चीज का गिरना, दिस इज कॉल्ड प्लमेट। ये चीज जो है ये प्लमेट कहलाएगी, ठीक है। तो प्लमेट का मतलब जो होता है वो होता है शार्प डिक्लाइन। तो मैं यहीं पे लिख सकता हूं शार्प, एस एच लिखो, कॉपी पेन जल्दी से फटाफट नोट करना स्टार्ट करो, शार्प डिक्लाइन, DECLINE, शार्प डिक्लाइन। शार्प डिक्लाइन का मतलब है किसी चीज का तेजी से नीचे आना। जैसे सपोज करो एरोप्लेन है और वो प्लमेट हो गया, तो प्लमेट होने का मतलब है वो अचानक से तेजी से नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो दिस इज कॉल्ड प्लमेट। तो जैसे ये फॉल है, फॉल, तो फॉल का मतलब क्या हो, फॉल सडनली, सडनली एंड शार्पली, मतलब अचानक से, ऐसे नहीं धीरे 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 गिर रहा है वो वाला, नहीं, सडनली एकदम से किस चीज का गिरना, दिस इज कॉल्ड प्लमेट। तो उल्टा क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट होगा इसका, जल्दी से बताइए क्या होगा ऑपोजिट। ये तो किसी चीज का नीचे आना हो गया, तो ऊपर जाने के लिए क्या आंसर होगा, सोर। क्योंकि सोर का मतलब होता है टू गो हाई, मीनिंग लिखो जल्दी से, टू गो हाई, टू गो हाई, टू गो हाई, किसी चीज का ऊपर की तरफ जाना, दिस इज कॉल्ड सोर। इफ समथिंग इज सोरिंग इट मीन्स दैट थिंग गोज हाई, इफ समथिंग इज सोरिंग दैट थिंग गोज हाई, अगर कोई चीज सोर कर रही है तो वो चीज ऊपर जा रही है। और ग्रामर की क्लास का जो वीडियो है आज अपलोड होगा, और ये दोपहर में 2 PM, दोपहर में 2 बजे आज ग्रामर की क्लास का वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बच्चे, ग्रामर की क्लास जो वीडियो है वो दोपहर में 2 बजे से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है। अब जो बच्चे डेली रोजाना लिखते हैं, कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते हैं, वो एक बार लिखना स्टार्ट करो फटाफट जल्दी से। स्टेगनेंट का मतलब होता है हिंदी में रुका हुआ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे हिंदी में रुका हुआ, और इंग्लिश में लिखता हूं इसको स्टिल। स्टेगनेंट वाटर, स्टिल वाटर, या मोशनलेस, MOTIONLESS, या स्टिल मोशनलेस, या स्टेशनरी, STATIONARY। बेटा ये ध्यान रखना ARY होना चाहिए, अगर ERY कर दिया ना तो स्टेशनरी शॉप जाएगा, नाउन हो जाएगा, ये ARY यानी कि रुका हुआ, स्टेशनरी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेबोनायर। इफ अ पर्सन इज डेबोनायर, अगर कोई व्यक्ति डेबोनायर है, सपोज करो आप डेबोनायर हैं, तो आप कैसे हैं, बड़े ही स्टाइलिश हैं, ठीक है।
डेबोनायर का मतलब होता है स्टाइलिश, STYLISH, स्टाइलिश एंड कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश एंड कॉन्फिडेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्टाइलिश होता है और बड़ा ही कॉन्फिडेंट होता है, हैंडसम लगता है वो देखने में, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड डेबोनायर। ठीक है, इसके लिए एक सिनोनियम मैं यहीं से डालता हूं, स्वैव, SUAVE, SUAVE, स्वैव। ठीक है, स्वैव का भी यही मतलब होता है डेबोनायर, SUAVE, स्वैव। स्वैव का यही मतलब होगा बच्चे एलिगेंट, ठीक है, या स्टाइलिश, खुश मिजाज टाइप का होता है ऐसा व्यक्ति, हिंदी में इसे कहते हैं खुश मिजाज। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताइए। सी, सेकंड का एलिगेंट, एलिगेंट भी ऐसा ही होता है, एलिगेंट भी स्टाइलिश ही होता है, एलिगेंट का भी यही मतलब होता है स्टाइलिश। ठीक है, हाँ बच्चा, ग्रेसफुल भी कह सकते हो, क्योंकि ग्रेसफुल भी वही होता है, अगर इफ अ गर्ल इज ग्रेसफुल इट मीन्स शी इज स्टाइलिश, ठीक है, शी इज कॉन्फिडेंट एंड स्टाइलिश। तो अब इसके अलावा बचता है थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी को हिंदी में लिख देता हूं कंजूस, हिंदी वाले लिखते रहो फटाफट, थ्रिफ्टी होता है कंजूस। इसे इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड इसके लिए हम लोग यूज कर देते हैं, जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, माइजरली भी, माइजर भी कह सकते हैं इसको, निगार्ड भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। बेटा जो कॉपी पेन लेके बैठते हैं ना, वो ईमानदारी से फटाफट जल्दी से कॉपी पेन से लिखना स्टार्ट कर दो तेजी से, और टाइम वेस्ट करने वालों को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं ना, जो रेगुलर डेली रोजाना, तो उनको फर्क समझ में आ रहा होगा कि डेली पढ़ने से नोट्स बनाने क्या फायदा होता है, रिवाइज करने से, और ये रिवीजन कहाँ काम आएगा, जिस दिन टेस्ट होगा, जिस दिन से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे ऐप में, उस दिन ही आपको पता चलेगा कि हाँ हमने मेहनत की थी, स्टार्टिंग में तो लगता है कि कार में यूजलेस चल रहा है। माइजर इज कंजूस, निगार्ड इज कंजूस, एंड यू कैन ऑल्सो राइट पार्सीमोनियस, ठीक है, PARPARSIMONIOUS, पार्सीमोनियस, PARSIMONIOUS, पार्सीमोनियस का मतलब भी कंजूस ही होता है बेटा। और कैंडिड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, कैंडिड इज फ्रैंक, कैंडिड इज फ्रैंक, कैंडिड जो होता है फ्रैंक, ये बड़े कैंडिड टाइप का व्यक्ति होता है, वो स्पष्ट बोलता है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता किसी के लिए, वो सीधा साफ साफ बोलता है, स्पष्ट बोलता है चीजों को, तो दिस इज कॉल्ड कैंडिड। या मैं इसके लिए कह दूंगा फोर्थ राइट, ये आ जाता है पेपर में, FORTH, फोर्थ राइट, फोर्थ राइट भी बेटा, सॉरी, फोर्थ राइट भी आउटस्पोकन ही होता है, फोर्थ राइट, FORTHRIGHT, फोर्थ राइट, या कह दो आउटस्पोकन, 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 आउटस्पोकन भी बेटा वही होता है जो स्पष्ट बोलता है, साफ साफ बोलता है, प्लेन बोलता है बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड कैंडिड। अब बात आती है सर बैड रिडन क्या होता है, तो मैं इसके लिए एक ही वर्ड बोलूंगा, बस यही लिख लो, बैड रिडन के लिए आता है बीमार होना। इफ अ पर्सन इज, अगर इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले लिखो फटाफट जल्दी से, इंग्लिश वाले लिखो कन्फाइंड टू बेड, CONFINED, कन्फाइंड टू बेड, कन्फाइंड टू बेड, कन्फाइंड टू बेड मतलब जो बिस्तर पर है काफी दिन से। इफ अ पर्सन इज बेड रिडन, देखो भाई पहले मैं हिंदी वालों को फिर इंग्लिश वालों को, अगर कोई व्यक्ति बेड रिडन है तो इसका मतलब वो काफी दिन से बिस्तर पर है, वो बीमार है। जैसे आप कह सकते हैं हिज फादर हैज बीन बेड रिडन फॉर 2 days, 2 दिन से बिस्तर पे हैं, तो वो बीमार है। इंग्लिश वाले समझ लीजिए दैट इफ अ पर्सन इज कन्फाइंड टू बेड या बेड रिडन, इट मीन्स दैट पर्सन इज कन्फाइंड टू बेड। ठीक है, आगे समझ में, तो इंग्लिश वाले लिख लीजिए बेड रिडन का मतलब कन्फाइंड टू बेड, मतलब बीमार होना। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया समझ में आगे सभी को? हाँ, एक बच्चे शिवम यादव ने कहा है सर पनाश, पनाश भी यही होता है, पनाश भी कॉन्फिडेंट ही होता है, पनाश का भी मतलब कॉन्फिडेंट ही होगा, स्टाइलिश। नेक्स्ट, एप्लॉम्ब होता हो तो APLOMB, एप्लॉम्ब भी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, एंसिलरी। अब आप कहेंगे यार ये जो है ना, ये चीज ना मेरी एंसिलरी है, जैसे ये हाथ है ना, ये मेरा एंसिलरी है, तो एंसिलरी का मतलब है ये मेरा सपोर्टिंग है, तो एंसिलरी का मतलब होता है प्रोवाइडिंग। अगर कोई चीज एंसिलरी है, आपने कहा भाई देखो जैसे ये मैं कहूँ ये IFP है, ये मेरे लिए एंसिलरी है क्योंकि ये मुझे सपोर्ट देती है, तो कोई भी चीज जो आपको सपोर्ट देती है दिस इज कॉल्ड एंसिलरी। तो प्रोवाइडिंग लिखो जल्दी से, प्रोवाइडिंग, इंग्लिश वाले लिखना स्टार्ट करो प्रोवाइडिंग हेल्प,
प्रोवाइडिंग हेल्प, तो एंसिलरी का मतलब है कोई भी चीज जो आपको हेल्प सहायता प्रदान करती है, दिस इज कॉल्ड एंसिलरी। अब ऑप्शन के हिसाब से मैं क्या कहूं बताइए जल्दी से, मतलब एक तरीके से हेल्पिंग कह सकता हूं मैं, एंसिलरी का मतलब है हेल्पिंग, सहायता प्रदान करने वाला, हिंदी वाले लिखो सहायता प्रदान करने वाला, एंसिलरी का मतलब है सहायता प्रदान करने वाला, एंसिलरी मीन्स सहायता प्रदान करने वाला, ठीक है बच्चे। अब ऑप्शन के हिसाब से आपने पढ़ा होगा ऑक्सिलरी वर्ब, ग्रामर में पढ़ा होगा ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, क्या होता है बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट हेल्प मेन वर्ब, जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं वही तो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, तो ऑक्सिलरी का मतलब क्या हो गया हेल्पिंग, तो इसका सिनोनियम मैं क्या लग दूंगा बी, और बेटा ऑक्सिलरी की स्पेलिंग आती है पेपर में, अगर एक्स वाई ग्रुप वाले बच्चे हो ना तो तुम्हारे पेपर में ऑक्सिलरी के चांसेस ज्यादा हैं, जो स्पेलिंग इजी होती है ना और जो इंपॉर्टेंट होती है वो एक्स वाई ग्रुप वाले आप लोग नोट कर लिया करो, आपके पेपर में ज्यादा चांसेस हैं, जो टफ होती हैं वो एसएससी और सीडीएस की तरफ निकल जाती हैं क्योंकि वहां अच्छे लेवल की स्पेलिंग ही आती है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग। अब बात आया सर ओमनियस का क्या मतलब है, ओमनियस का मतलब होता है हिंदी में अशुभ, चलो भाई लिखो जल्दी से, ओमनियस का मतलब होता है अशुभ, ठीक है, ओमनियस का मतलब होगा बेटा अशुभ, हाँ बेटा ओमनियस का मतलब होगा अशुभ, ठीक है, या ऑगर इल कह सकते हैं इसे, ए यू जी यू आर ऑगर इल, बेटा ऑगर वेल जो होता है ना वो होता है शुभ, जैसे मैं कहूं कोरोना वायरस ऑगर्स इल फॉर द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए अशुभ है, ठीक है, तो ओमनियस का मतलब है क्या, ओमनियस का मतलब है ऑगर इल, या अब मुझे बताइए ऑस्पिशियस क्या होता है, ए यू एस पी आई सी आई ओ यू एस ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब तो शुभ होता है, और अगर मैं इसमें इन लगा दूं इनऑस्पिशियस, तो बेटा इनऑस्पिशियस क्या चीज होता है कि बताओ, इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस हो जाएगा अशुभ, तो आप लिख दीजिए जल्दी से इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस लिखो बच्चे जल्दी से फटाफट, इनऑस्पिशियस अशुभ, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा ओमनियस। सलन क्या होता है, सलन होता है चिड़चिड़ा, मैं यहां लिख देता हूं बैड, बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, टी एम पी ई आर ई डी, बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़े को बोलेंगे सलन, अगर कोई व्यक्ति सलन है तो इसका मतलब वो कैसा है बेटा, वो चिड़चिड़ा है, इसका सिनोनियम हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सल्की, एस यू एल के वाई लिख दो, ग्रम्पी, ग्राउची, सल्की, ये सारे सिनोनियम होते हैं इसके सलन के, तो सलन का मतलब होता है चिड़चिड़ा, बैड टेम्पर्ड, या कह देंगे सल्की, सल्की भी इसका सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बात आई है सर बर्डलेस क्या होता है, ए क्या होगा, तो बर्डलेस की बात कर लेते हैं, ये जो बर्डलेस होता है ये होता है पैरोडी, पी ए आर ओ डी वाई, पैरोडी, या इसका सिनोनियम लिख देंगे कैरिकेचर, सी ए आर आई सी ए टी यू आर ई, कैरिकेचर। अब सर आप बोलोगे सर ये दोनों तो आपने सिनोनियम लिख दिए, तो सर इनका भी क्या मतलब है, तो बेटा कैरिकेचर या बर्डलेस्क या पैरोडी इनका मीनिंग बताता हूं, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चे परिहास्य, परिहास्य, परिहास्य। अब आप कहोगे सर ये तो ऐसी हिंदी हो गई जो सर के ऊपर से जाने वाली हिंदी हो गई, तो ये इसको भी मत समझो, तो फिर आप अपनी अपनी वाली 3D वाली लैंग्वेज में आ जाओ जैसा हम क्लास में समझते हैं। तो बेटा बर्डलेस्क अगर कोई चीज है ना तो इसका मतलब है कि उसको एक तरीके से मजाकिया तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, अगर किसी चीज को मजाकिया रूप में प्रेजेंट किया गया है तो दैट इज कॉल्ड बर्डलेस्क, ठीक है। कैरिकेचर भी तो यही होता है, कैरिकेचर होता है किसी व्यक्ति का मजाकिया रूप से स्केच बनाना, आपने देखा होगा जैसे आज तक या एबीपी न्यूज पे क्या करते हैं, क्या करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा जैसे सपोज करो अमित शाह जी हैं, उनका सर तो इतना मोटा कर देते हैं, पैर छोटे से कर देते हैं, या अरविंद केजरीवाल जी का या राहुल गांधी जी का, तो वो एक तरीके से कैरिकेचरी होता है, तो हास्य चित्र जिसको कहते हैं इन हिंदी हास्य चित्र, दिस इज कॉल्ड बर्डलेस्क, पैरोडी या कैरिकेचर। हाँ एक बच्चे ने कहा सर क्या ट्रेवेस्टी कह सकते हैं, हाँ बेटा ट्रेवेस्टी भी यूज कर सकते हो, लो मैं लिख देता हूं टी आर ए वी ई एस टी वाई, ट्रेवेस्टी भी कह सकते हैं, टी आर ए वी ई एस टी वाई, यस बच्चे ट्रेवेस्टी भी, एक बार लाइक कर दो फटाफट जल्दी से, हाँ सो सॉरी, वो सो सॉरी वाला ही उसी में
नेक्स्ट अगला, तो बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट जिसने ना लिखा हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस। ग्राउची लो आ गया, ये तो मैं कई बार बताता, इसका अगर आपने नहीं बताया ना तो आप इसका मतलब रिविजन नहीं कर रहे हैं। जल्दी से इसका सिनोनियम बताइए, क्या होगा इसका सिनोनियम, मैं इस पर लिख देता हूं इसका मीनिंग, चिड़चिड़ा। सल्की अभी मैंने बताया था, सल्की SULKY, या बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा, सल्की या बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा। अब जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ इरिटेबल, मनप्रीत इरिटेबल, क्रैबी, बिल्कुल सही, शाबाश। तो इसका सिनोनियम बिल्कुल सी बेटा, इसका आंसर हो जाएगा क्रैबी। क्रैबी ग्रंपी होता है, ग्रंपी लिख देता हूं फिर से, ग्राउची। अब ये अगर आए ना कभी चिड़चिड़े के लिए तो छोड़ना मत बिल्कुल भी, GROUCHY, ग्राउची, ग्रंपी, ग्राउची, चिड़चिड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इनमें से पेन्योरियस क्या होता है बेटा, सबसे पहले अगर मैं यहां से बताऊं PENURY, अगर मैं IOUS हटा दूं और सिर्फ कर दूं पेन्योरी, तो पेन्योरी क्या होता है, गरीबी। पेन्योरी इज वॉट, गरीबी। अब पेन्योरी से बना है पेन्योरियस, तो क्या हो जाएगा, गरीब। तो इसके लिए लिख दो पुअर, लिखो पेन्योरियस इज पुअर, गरीब। या सिनोनियम में एक और सिंपल सा डाल दो, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट। तो जो डेस्टिट्यूट होगा वो गरीब होगा, डेस्टिट्यूट का भी यही मतलब होता है, बिकॉज डेस्टिट्यूशन इज पॉवर्टी। विशाल सिंह डेस्टिट्यूट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्लियर हो गया, पेन्योरियस डेस्टिट्यूट पुअर। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो ए पे लिखा है अपीलेंट, अपीलेंट को मैं सीधा लिख देता हूं अपील करने वाला। लिख भाई हिंदी वाले, लिखो जल्दी से अपील करने वाला। अगर आपने हाई कोर्ट में जाके अपील की है तो आप अपीलेंट कहलाएंगे। अगर आपने किसी चीज के खिलाफ अपील की है तो यू आर अपीलेंट, आप बेटा उसके लिए अपीलेंट कहलाओगे। वन हु, इंग्लिश वाले लिख लो, वन हु अपील्स, वन हु अपील्स, वन हु अपील्स, वन हु अपील्स फॉर समथिंग, जो किसी चीज के लिए, एक बार लाइक करो पहले फटाफट जल्दी से, वन हु अपील्स फॉर समथिंग, जो किसी चीज के लिए अपील करता है, दिस इज कॉल्ड अपीलेंट। सर बुक पर जगह नहीं मिल रही है लिखने के लिए, अगर मुझे अब बोलना पड़ा ना तो मैं इतना बोल जाऊंगा कि अभी 50 गालियां दे जाऊंगा। अब एक नालायक कमबख्त, तुझे जगह नहीं मिल रही है बुक पे लिखने को, किसने कहा है, मैंने कहा एक कॉपी बना लो छोटी सी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो वही काम करना है, तुम्हें तो बुक पे ही लिखना है, बुक पे ही लिख दो सब कुछ, बुक को ही बना दो तुम पूरा गूगल। अरे कॉपी ले लो, 20 रुपए की कॉपी ले लोगे, 10 रुपए की, 5 रुपए की कॉपी ले लोगे तो तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाएगा क्यों भाई? नहीं, इन लोगों तो बुक पे ही लिखना है, बुक पे ही लिख ले सारा सब कुछ। जब मैंने बोला है रोजाना क्लास होती है भैया, और रोजाना क्लास होती है तुम्हें पता है रोजाना 8:45 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है, और तुम्हें यह भी पता है तुम्हारे पास बुक भी है, और भाई साहब आप ये भी जानते हैं सारे बच्चे कि क्लास में एक्सप्लेनेशन भी बड़ा होता है। पहले मैं क्या करता था, वर्ड का ऑप्शन बता देता था आपको मीनिंग के साथ, आपने कहा सर नहीं हमें ऑप्शंस के भी मीनिंग चाहिए। अब डीप एक्सप्लेनेशन चल रहा है तो तुम्हें कहा कि बुक पे नहीं है कुछ भी, तो बच्चे थोड़ा सा समझा करो मेरी बात को, तुम नादान नहीं रहे हो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है अब भी तुम नादानों वाली बात करते हो। अगर इस बात को कोई एनडीए वाला, अगर कोई एनडीए वाला होता तो मैं बात समझ जाता कि चल अभी बेवकूफ है, नालायक है, नादान है, लात घूंसों की जरूरत है, तुम्हारी तो शादी जैसी उम्र हो गई है। एसएससी वाले बच्चे अगर कोई है तो वो तो नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा बेटा गुस्सा नहीं आता मुझे, गुस्सा नहीं, ये तो प्यार से समझा रहा हूं मैं, लेकिन समझाना तो जरूरी है ना भाई। एक अध्यापक का धर्म और कर्म क्या होता है, कि वो अपने बच्चों को समझाए, और जो ना समझाए तो वो अध्यापक किस काम का। अरे अध्यापक टीचर इस नाम का थोड़ी ना होता है कि वो आए और चार बातें बोल के चला जाए। ऑनलाइन बेइज्जती सर, न्यूजेंस होगा और नॉट, क्या न्यूजेंस बेटा, मैं तो ऑनलाइन जूते भी मारता हूं। चलो कोई बात नहीं, बेइज्जती नहीं, अगर देखो तुम्हें मेरी बात की बेइज्जती लगे तो भाई चार जूते उठा के लो,
लो जूता लाना जरा, मेरा वो चप्पल ला उधर से मेरी, और तुम चार चप्पल मेरे मार लेना, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। अगर तुम्हें एक टीचर के बोलने से शर्म आती है ना, अगर तुम्हें शर्म आती है मेरे बोलने से या बेइज्जती लगती है, तो तुम चार चप्पल चार जूते मेरे मार लेना, मुझे नहीं आएगी शर्म। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सैलरिटी। सैलरिटी क्या होता है? सैलरिटी होता है बेटा, सैलरिटी होता है फुर्तीलापन। लिखो भाई हिंदी वाले, फुर्तीला फुर्तीला, देख लेना अगर गलत लिखा जाए तो। फुर्तीलापन, फुर्तीलापन यानी कि क्विकनेस, इंग्लिश वाले लिख लो। अच्छा दिया हुआ है क्विकनेस। एलाक्रिटी, ALACRITY, एलाक्रिटी। बेटा एलाक्रिटी जो होती है ना वो फुर्तीलापन होता है, एलाक्रिटी जो होता है वो फुल फुर्तीलापन होता है। ठीक है बच्चे, आगे समझ में? तो फुर्तीलापन, सैलरिटी क्या होता है? क्विकनेस होता है, सैलरिटी होता है क्विकनेस, फुर्तीलापन होता है। ठीक है बच्चों, जैसे आप जैसे नौजवानों में होती है, फुर्ती से काम करते हैं सारे बच्चे, तो दिस इज कॉल्ड सैलरिटी, क्विकनेस या फुर्तीलापन। अब आती है सर इसमें बाकी, बैचलरहुड तो बैकवर्डनेस सब आसान है, लीनियज क्या होता है? ये होता है ANCESTRY, एंसेस्ट्री। तो लिखो जल्दी से, इंग्लिश वाले लिखो एंसेस्ट्री, इंग्लिश वाले लिखो एंसेस्ट्री। एक बच्चा कह रहा है सर एजाइल, हाँ बेटा एजाइल भी हो जाएगा, एजाइल भी फुर्तीला ही होता है एजाइल। लीनियज होता है एंसेस्ट्री, वंशज, हिंदी वाले लिखो वंशज, वंशावली, हाँ बिल्कुल वंशावली। लीनियज इज एंसेस्ट्री, या अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हो पेडिग्री, PEDIGRE, PEDIGRE, पेडिग्री। हाँ ठीक है बच्चे, तो पेडिग्री भी यही होता है वंशज। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है इनऑर्डिनेट, लेकिन इस बार जो है आपको बताना है एंटोनियम, तो एंटोनियम को ध्यान में रखते हुए आंसर देंगे। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्सेसिव, कल भी आया था शायद ये, तो अगर किसी काम में इनऑर्डिनेट डिले हो जाए, इफ देयर इज इनऑर्डिनेट डिले इन अ वर्क, इट मींस एक्सेसिव डिले। तो अगर किसी चीज में इनऑर्डिनेट यूज हुआ है, तो इनऑर्डिनेट का मतलब है बहुत ज्यादा, हाँ अनड्यू या अनवारंटेड। तो बेटा अनड्यू अनवारंटेड का मतलब है बहुत ज्यादा, अत्यधिक, मैंने इसीलिए लिखा है एक्सेसिव, बहुत ज्यादा। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा का उल्टा क्या हो जाएगा? कम। और कम के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कम के लिए वर्ड यूज करेंगे बेटा मॉडरेट। कम के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? कम के लिए प्यारे बच्चों वर्ड यूज करेंगे मॉडरेट। ठीक है बच्चे, तो क्योंकि मॉडरेट का मतलब लिखो, मॉडरेट का मतलब लिखो स्मॉल, स्मॉल इन क्वांटिटी। अगर कोई चीज मॉडरेट मात्रा में आपने ली है, तो इसका मतलब वो कम मात्रा में ली है, या कॉमा करके लिखो एवरेज, एवरेज, एवरेज। ठीक है बच्चे, एवरेज। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी को? यहां तक आ गया समझ में? मॉडिकम, मॉडिकम तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होता है, हाँ ठीक है, तो आंसर इसका मॉडरेट हो जाएगा। अब फेसाइल, ये इसमें इंपॉर्टेंट, ये तो आसान है, बाकी तो फेसाइल क्या होता है? लिखो इजी टू डू। ठीक है, अगर कोई काम करने में आसान है तो उसे फेसाइल बोलेंगे, या फिर इजी टू अचीव, इजी टू अचीव। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को मैच में हराया एंड इट वाज अ फेसाइल विक्ट्री, तो बड़ी बड़ी आसान सी जीत हो गई। तो ये होता है बड़ा सा आसान सा, बहुत ही आसान सा काम या आसान सी जीत। हाँ इजी या कन्वीनियंट, बिल्कुल बेटा इजी या कन्वीनियंट। मेघा पाठक क्या बोल रहे हैं बच्चे? वेस्ट्री बता दो सर। अच्छा वेस्ट्री बता दे, लिखो जरा वेस्ट्री का मतलब होता है, लिखो आस रूम और बिल्डिंग, आ रूम और बिल्डिंग अटैच्ड, वेस्ट्री ये पीछे वाले उसमें था क्वेश्चन में शायद, अ रूम और बिल्डिंग अटैच्ड, अ रूम और बिल्डिंग अटैच्ड टू, अटैच्ड टू अ चर्च, अ रूम और बिल्डिंग अटैच्ड टू, अ रूम और बिल्डिंग अटैच्ड टू अ चर्च, किसी चर्च से
अटैच्ड रूम या बिल्डिंग को बोलेंगे वेस्ट्री। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है जहां पर चर्च की जो ड्रेसेस होती है ना, जो चर्च में जो हमारे पादरी लोग होते हैं वहां पर उनकी ड्रेसेस वगैरह यूज ड्रेसेस वगैरह जो है वो रखी जाती हैं, तो उस रूम को वेस्ट्री कहते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, आगे समझ में? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंटेंशन। तो कंटेंशन को हिंदी वाले लिखो बेटा झगड़ा। आपने सुना होगा बोन ऑफ कंटेंशन, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। तो फिर जड़, सॉरी, झगड़े के लिए कंटेंशन वर्ड यूज करेंगे। तो कंटेंशन का जो सिनोनियम है बच्चे, कंटेंशन का जो सिनोनियम है वो क्या क्या है मैं आपको बता दूं। एनमिटी बेटा इसका सिनोनियम है, दुश्मनी, झगड़ा। डिसिडेंस भी यही होता है, मतभेद। डिसिडेंस क्या होता है? मतभेद, यानी कि डिफरेंस, आपस में डिफरेंस होना, मतभेद होना। डिस्कॉर्ड होता है डिसएग्रीमेंट, क्योंकि अकॉर्ड होता है, मैंने कल बताया था, अकॉर्ड होता है एग्रीमेंट, तो डिस्कॉर्ड क्या होता है? डिस्कॉर्ड होता है डिसएग्रीमेंट। ठीक है, असहमति, तो ये भी बेटा सिनोनियम ही हो जाएगा। तो भाई साहब फिर अपोजिट क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा ए, ए इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टल्यूड। पोस्टल्यूड, पोस्टल्यूड का मीनिंग पहले मुझे आप बताइए, फिर इसका ऑपोजिट की बात करते हैं। डेकोरम प्रोटोकॉल होता है बेटा, डेकोरम इज प्रोटोकॉल। बड़ा ही डेकोरम मेंटेन किया है, यानी कि आपने प्रोटोकॉल मैनर्स में काम को किया है, प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट बताइए, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है पोस्टल्यूड। पोस्टल्यूड क्या होगा? पोस्टल्यूड का मीनिंग बताता हूं, अ कंक्लूडिंग, अ कंक्लूडिंग पीस, अ कंक्लूडिंग पीस ऑफ म्यूजिक, अ कंक्लूडिंग पीस ऑफ म्यूजिक, दिस इज कॉल्ड पोस्टल्यूड। तो पोस्टल्यूड होता है कंक्लूडिंग पीस ऑफ म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक का अंतिम भाग। तो उल्टा क्या हो जाए? अब ये तो अंतिम मतलब एंडिंग पार्ट हो गया, जैसे एपीलॉग। अगर मैं सिनोनियम कहूं ना, तो एपीलॉग हो सकता है, EPILOGUE, क्योंकि एपीलॉग जो होता है किसी नाटक का अंतिम भाग होता है, और ये किसी म्यूजिक का अंतिम पार्ट होता है, तो एंडिंग पार्ट तो दोनों ना, तो आप एपीलॉग लिख सकते हो, लिख लो बेटा EPILOGUE, एपीलॉग। तो उल्टा क्या हो जाएगा? प्रोलॉग। और प्रोलॉग क्या होता है? बिगनिंग पार्ट। और बिगनिंग पार्ट क्या होता है? प्रीफेस। तो देखो फिनाले, कंक्लूजन, अगर मैं कहूं ना ये तीनों, तो तीनों बेटा सिनोनियम हो जाएंगे, क्योंकि कंक्लूजन भी एंडिंग पार्ट हो गया, एंडिंग ये हो गया, फिनाले भी क्या होता है? एंडिंग। तो ये तीनों सिनोनियम हो सकते हैं। ओपोजिट की अगर मैं बात करूं, तो ओपोजिट प्रीफेस हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रीफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। प्रीफेस क्या होता है? इंट्रोडक्शन। लिख लो बेटा जल्दी से, कॉपी पेन जो लेके बैठा है, प्रीफेस का मतलब लिखो इंट्रोडक्शन। प्रीफेस का मतलब लिखो इंट्रोडक्शन। प्रीफेस मींस इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रीफेस जब किसी भी, कोई भी राइटर की किताब लिखता है, तो उसमें सबसे पहले प्रीफेस होता है ना, तो वो इंट्रोडक्शन होता है। तो या फिर एक चीज और भी लिख लो इसका सिनोनिम जल्दी से, प्रोलॉग। PROLOGUE लिखो जल्दी से फटाफट, प्रोलॉग। प्रोलॉग होता है किसी भी बुक का या किसी भी प्ले का शुरुआती पार्ट। ठीक है, सॉरी, किसी भी प्ले का, किसी भी नाटक का बिगनिंग पार्ट, दिस इज कॉल्ड प्रोलॉग। हाँ, प्रियम्बल, बेटा प्रियम्बल भी वही चीज होता है, प्रियम्बल भी स्टार्टिंग पार्टी होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इंटरजेक्ट। तो इंटरजेक्ट का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताइए फटाफट, इंटरजेक्ट का क्या मीनिंग होता है? इंटरजेक्ट का क्या मतलब होगा? फर्स्ट, व्हाट इज इंटरजेक्ट? जल्दी, इंटरजेक्ट का क्या मतलब होगा? जल्दी फटाफट, इंटरजेक्ट करने का क्या मतलब है? जल्दी फास्ट, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पीड अप। अच्छा, तेजी से कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आप जल्दी से पहले इसका बताओ, इंटरजेक्ट का क्या मतलब होगा? इंटरजेक्ट का मीनिंग की बात कर रहा हूं, इंटरजेक्ट का जो मतलब होगा वो होगा टू से समथिंग, टू से समथिंग सडनली।
मतलब जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो और आप उसमें बोल पड़े तो दिस इज कॉल्ड इंटरजेक्ट। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो और आप उसमें जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो और आप उसमें बोल पड़े तो ये कहलाता है इंटरजेक्ट। ठीक है, ऑपोजिट क्या होगा कि उसमें ना बोल के वापस हट जाना, पीछे हट जाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ए, विदड्रॉ। चलो अब मैं स्पीड बढ़ा देता हूं फटाफट, बस ये क्वेश्चन था, एक और लास्ट है, फिर इडियम्स में स्पीड बढ़ा देता हूं बस इसको और अगले क्वेश्चन। एकाएक बीच में बोल उठना, हाँ बेटा वही होता है, एकाएक बीच में हिंदी वाले लिख सकते हैं एकाएक बीच में बोल उठना, मतलब दो लोगों के बीच में बोल उठना। अपोजिट, अब बोलना मतलब आपने उसमें एंट्री कर दी, यानी कि उसमें इंटरफेयर कर दिया, इंटरफेयर किया मतलब एंट्री की, तो एंटर करना भी कह सकते हैं। अपोजिट वहां से वापिस हट जाना, तो विड्रॉ इसका सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसका जो सिनोनियम होगा, इसका सिनोनियम हो जाएगा विड्रॉ, सॉरी एंटोनियम हो जाएगा विड्रॉ। ठीक है, और स्प्लाइस क्या होता है, स्प्लाइस लिख लो ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन या कनेक्ट, चीजों को जोड़ना या कनेक्ट करना, ये कहलाता है स्प्लाइस। और शादी मैरिज के लिए भी, शादी करने के लिए भी आप स्प्लाइस, क्योंकि शादी का मतलब क्या होता है, दो लोगों का जुड़ना, बंधन में बंधना, ये कई जगह पे आप सिनोनियम इसका मैरिज भी देख सकते हो। स्प्लाइस का जो सिनोनियम है वो आप मैरिज भी देख सकते हो। मैरिज का मतलब भी तो क्या होता है, शादी होने का क्या मतलब है, शादी होने का मतलब दो लोग जुड़ते हैं या अलग होते हैं, जुड़ते हैं तो जुड़ना, इसीलिए मैरिज भी कई बार वर्ड मैरी भी सिनोनियम में यूज कर देता है। ठीक है, तो स्प्लाइस का मीनिंग आपको पता चला गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, स्पैस्मोडिक। स्पैस्मोडिक फटाफट, अब मैं रुकूंगा नहीं भाई, अब मैं स्पीड में लिखूंगा। हाँ बट इन हो सकता है, सोनम ठाकुर बट इन हो सकता है, बट इन का मतलब होता है इंटरफेयर करना, फ्रेजल वर्ब बट इन, जो बच्चा लिखना चाहे लिख सकता है बट इन। बट इन का मतलब होता है किसी काम में इंटरफेयर करना, टू इंटरफेयर समथिंग, टू इंटरफेयर इन समथिंग। स्पैस्मोडिक का मतलब होता है इररेगुलर, रुक रुक के, जैसे बारिश होती है ना रुक रुक के, तो उसे कहते हैं स्पैस्मोडिक। सिनोनियम फिटफुल, फिटफुल, अब मैं फटाफट बोलूंगा, मैं रुकूंगा नहीं भाई, स्पीड बढ़ाने को बोला है आप लोगों ने तो मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं। कॉपी पेन लेके बैठो, जल्दी से कॉपी पेन से नोट करते रहो फटाफट। तो स्पैस्मोडिक होता है इररेगुलर या फिटफुल अगर बारिश, और इंटरमीटेंट, इंटरमीटेंट भी तो ही होता है, अगर बारिश इंटरमीटेंट होती है तो कैसे होती है, रुक रुक के होती है। तो उल्टा स्पोरेडिक दे दो, देखो ये दे दिया है, स्पोरेडिक का मतलब भी रुक रुक के, तो बेटा ये है इसका सिनोनियम। तो एंटोनियम क्या होगा, रेगुलर, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है स्क्रीन पर 11। अब मैं रुकूंगा नहीं भाई, नितिन जरा मुझे फटाफट जल्दी से स्टॉप वॉच दे दे एक बार, मैं 20 सेकंड का टाइम देके और 20 सेकंड में एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाऊंगा। 20 सेकंड का टाइम दूंगा आपको आंसर लिखने के लिए और उसके बाद सीधा एक्सप्लेन करके आंसर लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। अगर मेरी बात गलत लग रही है आपको तो कमेंट में लिख के बता दो कि सर नहीं, 20 सेकंड से ज्यादा का समय चाहिए हमें। इनक्लोर का क्या मतलब होता है, अगर कोई व्यक्ति क्लोर में रह रहा है, स्टॉप वॉच को मैंने स्टार्ट कर दिया है 20 सेकंड का समय, जैसे ही 20 सेकंड होंगे तुरंत रोक के एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट कर दूंगा मैं। अगर कोई व्यक्ति क्लोर में रह रहा है तो इसका मतलब है कि वो किस में रह रहा है, किस में जी रहा है, जैसे राहुल गांधी जी इज लिविंग इन क्लोर या मुकेश अंबानी इज लिविंग इन क्लोर, ये हो गया भाई 20 सेकंड। क्लोर का मतलब होता है टू लिव इन लग्जरी, जल्दी से फटाफट डी को आंसर को लॉक कर दिया जाए, लग्जरी में रहना, लग्जरी में रहना यानी कि बहुत सारे पैसा होना, टू लिव इन लग्जरी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, 20 सेकंड का समय मैं स्टॉप वॉच में स्टार्ट कर देता हूं, ये लीजिए हो गया 20 सेकंड का टाइम है। क्लीन ऑर्गन स्टेबल, क्लीन ऑर्गन स्टेबल, क्लीन ऑर्गन स्टेबल, योगी जी हैज क्लीन्ड द ऑर्गन स्टेबल ऑफ उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन में से योगी जी ने सारा बुराइयां जो है वो दूर कर दी हैं। चलो टाइम हो गया भाई, टाइम हो गया, टाइम हो गया। क्लीन ऑर्गन स्टेबल का मतलब होता है सारी बुराइयों को दूर करना, सारी बुराइयां खत्म करना, ठीक है, सारी इंप्योरिटी को हटाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टू रिमूव एन इविल, बुराइयां दूर करना, बुराइयां खत्म करना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टू क्लीन ऑर्गन स्टेबल। क्लीन से ही समझ जाओ कि क्लीन का मतलब है साफ करना, यानी कि बुराइयां दूर करना, बुराइयां खत्म कर देना। एक बार लाइक तो कर दो जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आज शायरी सुनाऊंगा और ऐसी शायरी जो तुम्हारे दोनों दिल पे फटाक से जाके लगेगी और टच करके वापस आ जाएगी। तो एक बार 150 लाइक्स कर दो जल्दी से फटाफट और फिर देखो कैसी एक बहुत ही मजेदार शायरी सुनाऊंगा आप लोगों को जो दिल छू जाएगी आपको। 12:13 का बताओ, एट द हैम ऑफ, मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूं, ये लीजिए एक कर दिया, 20 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास, फटाफट।
एट द हेल्म ऑफ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसका, उससे समझ कोशिश करो, दैट सोनिया गांधी जी इज एट द हेम ऑफ द कांग्रेस. बताओ जल्दी से क्या होगा इसका मतलब. या दिस टाइम मोदी जी इज एट द हेम ऑफ द बीजेपी इन दिस कोरोना टाइम. जल्दी, एट द हेम ऑफ का मतलब क्या होता है? यस, अगर आप किसी कंपनी में एट द हेम ऑफ हैं, इसका मतलब आप उस कंपनी के लीडर हैं. तो अगर आप किसी चीज के लीडर हैं, तो यू आर एट द हेम ऑफ, यानी कि एट द मेन सिचुएशन. बी को लॉक कर दिया जाए, बी को लॉक कर दिया जाए, बी को लॉक कर दिया जाए, बी को लॉक कर दिया है. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लिख सकते, ये भी लिख सकते हैं, टू बी द इनचार्ज, टू बी द इनचार्ज ऑफ समथिंग. किसी चीज का इंचार्ज होना, अगर आपको किसी चीज का इंचार्ज बनाया गया है, तो यू आर एट द हेम ऑफ समथिंग. यस, मोदी जी इज एट द हेम ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. बस सारा ठेका उन्होंने ही लिया हुआ है. चलो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसको तो मैं टाइम दे रहा हूं 15 सेकंड का, और टाइम स्टार्ट्स नाउ. 15 सेकंड का टाइम है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आंसर टिक करके आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि ये सभी बच्चों को आता है. 15 सेकंड का टाइम आपके पास है, 15 सेकंड, जल्दी फटाफट. 15 सेकंड्स में खत्म कर रहा हूं क्वेश्चन को. यहां पे ये लीजिए, 15 सेकंड्स पूरे हो चुके हैं भाई साहब आपके. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, द कॉज ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन कह सकते हो, या कॉज ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, पाकिस्तान, इंडिया और बीच, इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या बन गया है? झगड़े की जड़ बन गया है, बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है. इन द गुड बुक्स ऑफ समवन, अगर आप इसको, मैं देता हूं 20 सेकंड, ले लीजिए, हो गया, टाइम स्टार्ट्स. अगर आप किसी की गुड बुक्स में हैं, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आंसर दो फास्ट. ये लीजिए, टाइम पूरा होने वाला है भाई, और टाइम पूरा हो गया साहब, हो गया, बस हो गया, हो गया, 20 सेकंड खत्म हो गए हैं. चलिए, अगर आप किसी के गुड बुक्स में हैं, तो आप उसके फेवर में हैं. मतलब एक स्टूडेंट होता है जो अपने टीचर के फेवर में रहता है, और एक स्टूडेंट होता है जो टीचर के फेवर में नहीं होता है. अगर आप टीचर के फेवर में हैं, तो यू आर इन द गुड बुक्स. अगर आप नहीं है, तो यू आर नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ योर टीचर, या यू आर इन द बैड बुक्स. तो टू, इसका ऑप्शन क्या निकालूंगा मैं, इन फेवर विद समवन. अगर आप किसी के फेवर में हैं, आप किसी के साथ हैं, तो इट मींस यू आर इन द गुड बुक्स. वन वर्ड की बात करते हैं, फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए. वन वर्ड में मैं आपको समय दूंगा 25 सेकंड का, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. हो गया टाइम स्टार्ट. चलिए, 25 सेकंड का आपके पास समय है. गवर्न्ड बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी, एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्य के अनुसार चलता है, एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्य के अनुसार चलता है. हिमांशु सिंह बिस्ट, रिपीट क्वेश्चन बेटा, रिपीट क्वेश्चन, पहले इसको कर फटाफट, तब बताऊंगा. अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारी समझ में ना आए, छूट जाए, तो मुझे बता देना, फिर रिपीट कर दूंगा. चलिए, आपका समय समाप्त हो चुका है. चलिए, ओवर, ज्यादा ही सेकंड मिल गए. अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य के अनुसार चलता है, सेंस ऑफ ड्यूटी के अनुसार चलता है, तो भाई साहब वो ईमानदार है, बहुत ही मेहनती है, ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग है, और ऐसे व्यक्ति को कंसाइंटिस्ट बोलेंगे. स्पेलिंग कम से कम 20 बार तो मैंने देख ली पेपर में, कंसाइंटिस्ट की स्पेलिंग बहुत आती है एग्जाम में. इंपॉर्टेंट लिख सकते हो इस पे, कंसाइंटिस्ट ऐसा ही व्यक्ति होता है जो बहुत ही ईमानदार होता है, ठीक है. और कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर, कॉन्शियस इज अवेयर या जागरूक. अगला क्वेश्चन 17 बताइए. एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, श्रद्धालुओं का समूह. हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी वाले एक बार लाइक कर दो भाई फटाफट जल्दी से, 150 लाइक तक पहुंचाना है अगर आपको आज एक बहुत अच्छी सी शायरी सुननी है. और शायरी ऐसी होगी जो दिल पे, दोनों दिल पे लगेगी आपके, क्योंकि तुम्हारे तो दो दो दिल हैं, लीजेंड्स हो ना तुम, तुम्हारे हर चीज एक्स्ट्रा होती है तुम्हारे पास, तो आपके तो दो दो दिल हैं. चलो, असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, तो भाई साहब असेंबली ऑफ वर्शिपर्स होता है श्रद्धालुओं का समूह, भक्त मंडली. लो, और अच्छा वर्ड दे दिया हिंदी में, भक्त मंडली, मेरी हिंदी भी इंप्रूव होती जा रही है तुम्हारे साथ साथ. कॉन्ग्रीगेशन होता है बेटा, ए कॉन्ग्रीगेशन होता है,
कॉन्फ्लेग्रेशन क्या होता है तुम बताओ। चल भाई नितिन बता जल्दी से, कल परसों बताया था कॉन्फ्लेग्रेशन क्या होता है, नहीं बताएगा कमबैक, तेरे को अभी ही जूता मारूंगा, रिवीजन करना नहीं है नालायक। अभी कल परसों की क्लास में बताया था मैंने कॉन्फ्लेग्रेशन, इन्फर्नो नहीं बताया था भाई, तुम बताओ भाई जरा क्या मैंने इन्फर्नो नहीं बताया था कॉन्फ्लेग्रेशन। मैंने क्या कहा था, कॉन्फ्लेग्रेशन होता है इन्फर्नो, भीषण अग्निकांड, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया था कॉन्फ्लेग्रेशन में, कल परसों तो आया था ये इन्फर्नो, पढ़ना लिखना तुम लोगों ने है नहीं। कन्फ्रंटेशन क्या होता है, टकराव होता है, कन्फ्रंटेशन हिंदी में लिख लो जल्दी से, टकराव, कन्फ्रंटेशन होता है टकराव, कन्फ्रंटेशन इज टकराव, लिखो फटाफट जल्दी से, कन्फ्रंटेशन होता है टकराव या एनकाउंटर, इंग्लिश में लिख लो एनकाउंटर, ENCOUNTER, एनकाउंटर, टकराव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, अ पावरफुल रूलर, एक शक्तिशाली राजा को क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए, जैसे हिटलर, हिटलर, मोदी जी, ऐसे रूलर को क्या कहेंगे 18 का, जल्दी से बताओ। और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ, 25 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं, जल्दी से बताओ फटाफट। प्रॉफिट तो नहीं कहेंगे इसको, तो गलत काट देता हूं, ये तो गधे को भी पता होगा क्योंकि ये तो पैगंबर को कहते हैं, प्रॉफिट, पैगंबर मोहब्बत के लिए यूज होता है ये वर्ड, तो पैगंबर साहब के लिए यूज होता है, तो डी को तो चलो मैंने काट दिया। पैरागॉन चप्पलें होती हैं, सुना होगा आपने पैरागॉन, हवाई चप्पलें, तो पैरागॉन तो ये नहीं होगा, पैरागॉन का तो मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल या एपिटोम भी कहते हैं, पैरागॉन होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, प्रतिमूर्ति, यही वर्ड यूज होता है हिंदी में, प्रतिमूर्ति, पैरागॉन होता है एपिटोम, एपिटोम मैंने लिख दिया है, बता भी दिया है, एपिटोम, EPITOME, एपिटोम होता है प्रतिमूर्ति, किसी चीज का प्रतीक, सिंबल, तो ये भी नहीं होगा। अब बताओ प्लेथरा क्या होता है, एक्सेस, EXCES, अगर कोई चीज अबंडांस में है, प्रचुर मात्रा में है, तो दिस इज कॉल्ड प्लेथरा, प्लेथरा का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, एक्सेस में होना, दिस इज कॉल्ड बी, तो आंसर तो लगा दिया पोटेंशिएट, पोटेंशिएट होता है पावरफुल रूलर, तो हम मोदी जी को कहते हैं, कह सकते हैं दैट ही इज द पोटेंशिएट ऑफ इंडिया, एक शक्तिशाली राजा है वो इस समय पर। नेक्स्ट अगला, टू रिड्यूस टू नथिंग, अब मान लो कोई चीज ऐसी है और उसको काट काट के, काट काट के खत्म करके कोई चीज कम होते 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 बहुत ही कम रह गई, नथिंग, ना के बराबर, तो किसी चीज का ना के बराबर रह जाना, कम हो जाना, घट जाना, ये क्या कहलाएगा, जल्दी से, जल्दी फटाफट बताओ, फास्ट, 19 का आंसर क्या होगा, जल्दी करो बहुत तेजी से, यस शाबाश, इसका आंसर होगा नल, और एनल का मतलब होता है कैंसिल या रिवोक, किसी कानून या नियम को रद्द कर देना, एनल इज कैंसिल या रिवोक, किसी कानून या नियम को रद्द कर देना, ये होता है एनल। आगे बात समझ में, अब बात आती है तो सर इसमें कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो कल होगा सेलेक्ट, कल का मतलब होता है सेलेक्ट, कल का मतलब होता है चूज करना, सेलेक्ट करना, एक लार्ज क्वांटिटी में से इकट्ठा करना, ये होगा कल, सेलेक्ट फ्रॉम अ लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। और अब बात आई लल, लल इंपॉर्टेंट है, लल को आप लिख लो अ टेम्पररी इंटरवल, लल होता है अ टेम्पररी, टेम्पररी स्टे या इंटरवल, ठहराओ, हिंदी वाले लिखो ठहराओ, क्या मैं सही बोल रहा हूं, ठहराओ इन हिंदी, ठहराओ, क्या बोला, ठहराओ, ठीक है, तो ठहराओ या लल, लल, श्रेया काम्बोज, बेटा बता दिया, मुझे पता है मैं तुम्हारी बातें समझ जाता हूँ, तुम आगे क्या पूछने वाले, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है, मुझे पता है मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं, वो बहुत तेज होते हैं, ठीक है, बहुत खोखार होते हैं, तो लल होता है ठहराओ, अ टेम्परेरी इंटरवल इन समथिंग, लेजर तो मौज मस्ती होती है, ठीक है। कल, श्रेया काम्बोज, बच्चे कल भी बता दिया, कल का मतलब होता है सेलेक्ट फ्रॉम अ लार्ज क्वांटिटी, किसी लार्ज क्वांटिटी में से किस चीज को इकट्ठा करना, ठीक है, सॉरी चूज करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 20 बताइए, यस, अ नेम दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ समवन, जो किसी का कैरेक्टर डिस्क्राइब करता है, उस, एक बार लाइक कर दो भाई फटाफट जल्दी से, उसको क्या कहेंगे, जल्दी, हाँ, सोजर्न तो टेम्पररी स्टे होता है, इसका हिंदी में अर्थ बताऊं, इसको कहते हैं उर्फ, उर्फ सुना है, उर्फ, उर्फ, निकनेम, निकनेम पूछ रहा है, निकनेम के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, उर्फ, जैसे आपने सुना होगा गोपाल उर्फ कल्लू,
करते ना यूज ऐसे, मोहित उर्फ गोलू, राजू उर्फ सोनू, मयंक उर्फ बिट्टू, क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ? उर्फ पूछ रहा है, उर्फ जल्दी से, निकनेम पूछ रहा है। अरे ये कह रहा है ना, अ नेम दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ समवन, ऐसा नाम जैसे किसी का उससे कैरेक्टर पता चलता हो। राहुल गांधी जी उर्फ प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अब बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। तो इसको कहते हैं बेटा सॉबरी का, सॉबरी का बोलते हैं इसको, निकनेम जल्दी से लिख दो, निकनेम के लिए वर्ड यूज होता है सॉबरी का। ठीक है बच्चे, चलो आगे आगे, समझ में सभी को? नेक्स्ट, अब बात आती है सर ये सुडोनियम क्या है, ये होता है फिक्टिशियस नाम, काल्पनिक नाम। अगर मैंने काल्पनिक सही लिखा हो तो लिख लेना, काल्पनिक काल्पनिक नाम, फिक्टिशियस नेम। सुडोनियम लिखो जल्दी से, सुडोनियम लिखो फटाफट जल्दी से। सुडोनियम होता है काल्पनिक नाम, जैसे कई बार राइटर काल्पनिक नाम से बुक बुक लिख देता है। ठीक है बच्चे, कृष्णा सर उर्फ, अच्छा जूता खाओगे अभी। एपिक, एपिक तो आपको पता ही है, स्टोरी को बोलते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब लिखो टेम्परेरी, ट्रांजिएंट का मतलब लिखो टेम्परेरी, लिखो ट्रांजिएंट का मतलब लिखो फटाफट जल्दी से, टेम्परेरी। ट्रांजिएंट होता है बेटा टेम्परेरी, क्षणिक। और एपिक क्या होता है? अ लॉन्ग पोयम, लिखो महाकाव्य, अ लॉन्ग पोयम। एपिक होता है महाकाव्य, अ लॉन्ग पोयम, अ लॉन्ग पोयम, हिंदी में बोलेंगे इसे महाकाव्य। एपिक होता है लॉन्ग पोयम, और क्षणिक, ट्रांजिएंट होता है मोमेंट्री, क्षणिक, एफेमरल। चलिए तो आज के लास्ट 10 क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए, एक बार कमेंट में लिख के बता दो फटाफट, क्या सारे बच्चे तैयार हैं? हाउस द जोश, फास्ट जल्दी एक बार जल्दी से बताओ, क्या सारे तैयार हो आज के 10 क्वेश्चन के लिए? और मैं आपको बता दूं, आज 10 में से 10 लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, जो कमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी, जो कमेंट नहीं कर रहे हैं सिर्फ देख रहे हैं उनके लिए भी। 10 में से 10 लाना सबके लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा आज आप लोगों के लिए। तो देखते हैं 10 में से 10 कौन लेके आएगा, तैयार हो जाइए। और जो भी 10 में से 10 लेके आएगा, मेरी तरफ से उन लोगों के लिए एक बहुत प्यारी सी शायरी होगी। तो एक बार जल्दी से, स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो फटाफट जल्दी से, एक बार सारे बच्चे जल्दी से लाइक मार दो फटाफट, या तो लाइक मार दो या डिसलाइक कुछ तो कर दो जल्दी से। सब झूठ बोलते हैं, सारे झूठ बोलते हैं भाई, देख लो मेरी, मैं क्योंकि आज है मंगलवार, और मंगलवार को मेरा श्राप लग जाता है, और मैं सभी बच्चों को श्राप देता हूं कि अगर वो बेईमानी से आंसर देंगे और झूठा झूठे तरीके से आंसर देंगे, और गलत तरीका अपनाएंगे और बेईमानी से अपने आंसर्स बताएंगे, मतलब कहीं भी बेईमानी होगी तो वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि बेईमानी मुझे नहीं चाहिए। और ईमानदारी से जो देगा आंसर, जो ईमानदारी से खेलेगा, ये समझ लो कि मेरा आशीर्वाद, अब उन दोनों हाथों से आशीर्वाद मेरा साथ है। देखो मंगलवार को दिया हुआ आशीर्वाद भी लग जाता है, कि वो सक्सेसफुल जरूर होगा एक दिन, बहुत आगे जाएगा जिंदगी में, ठीक है, और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो अब ईमानदारी से करना है सभी को। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है स्क्रीन पे, इन सेंड्री, कल भी आया था ये, कल परसों भी, फटाफट 15 सेकंड का दूंगा, टिक लगाते ही आगे बढ़ जाऊंगा जल्दी से। हाँ जी, मंगलवार की दुआ भी लगेगी, जल्दी से फटाफट। जल्दी फटाफट, इंसेंट्री का स्पेलिंग बताओ जल्दी से कमेंट में फटाफट। इंसेंट्री होता है जिस कोई भी वो चीज जो कंबस्टिबल हो, इंसेंट्री होता है कंबस्टिबल, आग लगाने वाली कोई भी चीज। जल्दी फटाफट जल्दी से बताओ, आशीर्वाद बना रहेगा, पहले आंसर दे दे पवन कंबक्त, आंसर दे फटाफट। चलिए इंसेंट्री का स्पेलिंग INCENDIARY, तो कौन सा आंसर होगा? बी, बी को लॉक कर दिया जाए फटाफट, बी को लॉक कर देंगे इंसेंट्री। अगले कमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है, ल्यूटिनेंट। ल्यूटिनेंट आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ल्यूटिनेंट बनना है, अगर उनको ल्यूटिनेंट की स्पेलिंग नहीं आती है तो डूब मरे, जाइए थोड़े से पानी में डूब मरिए चुल्लू भर पानी में, और फटाफट ल्यूटिनेंट का स्पेलिंग दीजिए जल्दी से फटाफट। इन हिंदी वी कॉल इट लेफ्टिनेंट, एंड इंग्लिश वी कॉल इट ल्यूटिनेंट। ल्यूटिनेंट का स्पेलिंग बताइए जल्दी से फटाफट। 22 का आंसर क्या सही होना चाहिए?
कौन सा आंसर लगाऊं, एल आई ई यू बताओ जल्दी से, या एल ई यू क्या लगाऊं? ल्यूटिनेंट का स्पेलिंग कौन सा सही होगा? आपका समय पूरा हो गया है तो आंसर हम लगा देते हैं एल आई ई यू टी ई एन ए एन टी, ल्यूटिनेंट का स्पेलिंग बी सही है, बी इज द फाइनल आंसर ऑफ ल्यूटिनेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेरे ल्यूटिनेंट जल्दी से फटाफट आंसर। पैरेललोग्राम, भाई साहब पैरेललोग्राम तो पढ़ा होगा आपने, पैरेललोग्राम जिसकी लाइंस पैरेलल होती हैं, जल्दी से फटाफट पैरेललोग्राम की स्पेलिंग बता दो। अगर मैथ्स वाले हो और तुम गलत करते हो तो डूब मरो जाके थोड़े से पानी में, जल्दी से आंसर दो। 23 का आंसर पैरेललोग्राम, फटाफट व्हाट शुड बी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पैरेललोग्राम? पैरेलल, पैरेलल लिख दो और पैरेललोग्राम बना दो उसका, तो सी को लॉक कर दिया जाए, सी इज द फाइनल आंसर, सी इसका फाइनल आंसर है बच्चों पैरेललोग्राम का। तो 23 का जो आंसर है सी पैरेललोग्राम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कॉरिगेंडम। कॉरिगेंडम का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी मिस्टेक जिसको करेक्ट किया जाना चाहिए, एक ऐसी मिस्टेक, अ मिस्टेक इन अ टेक्स्ट टू बी करेक्टेड, एक टेक्स्ट में की हुई मिस्टेक जिसको करेक्ट करना जरूरी है, इसको कॉरिगेंडम बोलेंगे। जल्दी से बताइए फटाफट क्या आंसर होगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ कॉरिगेंडम? फटाफट क्या आंसर लॉक कर दूं, जल्दी से बताओ कॉरिगेंडम का आंसर क्या सही होगा? सी ओ आर 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 आर, ये लीजिए 24 का आंसर है सी, सी को लॉक कर दिया है, सी इज द फाइनल आंसर, सी को लॉक कर दिया गया है। कॉरिगेंडम का आंसर जो होगा दैट इज सी, सी इज द फाइनल आंसर। एक बार लाइक मार दो, लाइक ठोको जल्दी से फटाफट, एक बार लाइक वाले बटन पे ऐसे दबा के मारो, मुक्का मारो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 25 इज सेपल्चरल। सेपल्चरल का क्या मतलब होगा? मीनिंग तो मैं बताता हूं लेकिन आप स्पेलिंग बताओ, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग? शुद्धि पत्र, किसने लिखा है भाई साहब ये हिंदी में? पीहू राणा, अरे वाह धन्यवाद बेटा, व्हाट एवर यू हैव सेड इज रियली हेल्पफुल टू मी। हाँ बेटा कॉरिगेंडम शुद्धि पत्र होता है, शुद्धि पत्र मतलब जिसमें मिस्टेक्स को करेक्ट करना होता है, दैट्स अ ग्रेट वर्ड आई हैव लर्न टूडे, शुद्धि पत्र। चलिए हाँ एसएससी में आता है कॉरिगेंडम नोटिस। चलिए अगला बताइए 25 का आंसर, सेपल्चरल का क्या मतलब होता है? सेपल्चरल का मतलब होता है रिलेटेड टू टॉम, टॉम कब्र से, टॉम सॉरी टॉम से संबंधित, इसको निराश भी कहते हैं, ग्लूमी भी कहते हैं, सेपल्चरल का मतलब होता है निराश, ग्लूमी। चलिए बताइए फटाफट एस ई पी यू एल सी एच आर ए एल, लॉक कर दिया जाए, ए ए ए ए ए ए ए ए इज द फाइनल आंसर। चलिए पांच क्वेश्चन हो चुके हैं, अब बारी है अगले पांच क्वेश्चन की, अगले पांच क्वेश्चन तो और भी खतरनाक होने वाले हैं। अरे बेटा सेपल्चर नहीं यार, सेपल्चर नहीं, सेपल्चरल होना था, ही इज आस्किंग सेपल्चरल नॉट सेपल्चर, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ए इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज जो 10 में से 10 लेके आया ना भाई, मैं मान लूंगा उसकी तैयारी बहुत खतरनाक चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि ये तो दिमाग घुमाने वाले हैं आज, जितने भी महान ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं ना या जो देखेंगे इसको, दिमाग जरूर हिलने वाला है। जल्दी से फटाफट डू इट फास्ट, जल्दी करो, जल्दी 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 फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। नो वन गैप मोर देन 10 रुपीज फॉर डॉल, कोई भी 10 रुपए से ज्यादा किसी ने भी उस डॉल का मतलब किसी पर्टिकुलर डॉल की बात हो रही है, तो उस डॉल के लिए किसी ने भी 10 रुपए से ज्यादा नहीं बोली लगाई। तो बोली लगाने के लिए किसी चीज का एस्टिमेट करने के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, डू इट फास्ट। अब मैं आपको बता दूं बेटा, बोली लगाने के लिए किसी चीज की कीमत लगाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बिड, लेकिन अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक वर्ड एक चीज बताऊं कि बिड की सेकंड फॉर्म, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर बेड, गलत, बिड की सेकंड फॉर्म बिड होती है और बिड की थर्ड फॉर्म भी बिड होती है, ग्रामर का भी रूल यूज हो गया, लिखो जल्दी से फटाफट कमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिड बिड बिड, बिड का मतलब होता है बोली लगाना, किसी चीज की कीमत लगाना, ऑक्शन ऑक्शन भी कह सकते हो, तो इस सेंस में बिड की तीनों फॉर्म बिड होती है, बिड बिड बिड, ठीक है। अब लेकिन कई बच्चे कहेंगे सर बेड भी तो होता है, तो बेटा बेड जो होता है ना, जब बिड का मतलब होता है क्या, when the meaning of the word bid is allow, जब बिड का मतलब अलाव होता है, अनुमति देना होता है, उस समय पर बिड बेड बिडन, और मना करना हो गया forbid forbid forbidden, तो ऐसे ही लिख लो अलाव, लिखो फटाफट, बिड का मतलब अगर है अलाव, अनुमति देना, तो सेकेंड फॉर्म होगी बेड और थर्ड फॉर्म होगी बिडन, आगे समझ में, और ये बिडिड तो बिड ये कुछ नहीं होता है, क्लियर हो गया सभी को? तो कैसा क्वेश्चन था ये,
मस्त क्वेश्चन था या नहीं था? तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, यहाँ बोली लगाने की बात हो रही है, और ये क्वेश्चन पास्ट में है। पास्ट में है कैसे पहचाना? अगर ये प्रेजेंट में होता तो नो वन सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ SEIS लगता, लेकिन नहीं लगा, तो इसका मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। तो सेकंड फॉर्म है बिड, यहां पर आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, सेकंड फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और धमाका होने वाला है, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, मजा आ गया, मजा जल्दी से यहां पर आएगा, क्वेश्चन का आंसर दो, और खतरनाक क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट। वी कैन नॉट गैप सच ड्रेडफुल, ड्रेडफुल तुम्हारी हेल्प कर देता हूं, ड्रेडफुल का मतलब होता है, अगर मैं बिहेवियर कहूं तो मतलब ड्रेडफुल बिहेवियर होगा, बहुत ही अनप्लीजेंट, बहुत ही गंदा सा घिनौना सा व्यवहार, वैसे ड्रेडफुल जो होता है ना बेटा वो ऑफुल होता है, ड्रेडफुल मतलब डरावना, बहुत ही घिनौना, तो ऐसे व्यवहार को, ऐसे बिहेवियर को हम क्या नहीं करेंगे, कॉन्स्ट्रेन नहीं करेंगे, कंडक्ट नहीं करेंगे, या कंडेंस नहीं करेंगे, या कंडन नहीं करेंगे, जल्दी बताओ फटाफट किसका क्या मतलब होगा, जल्दी करो। कंडेंस का मतलब, तो कंडेंस समझ में आ रहा है, कंडेंस का मतलब किसी चीज को डेंस बना देना, किसी चीज को और डेंस कर देना, तो ऐसे व्यवहार को, ऐसे बिहेवियर को क्षमा नहीं किया जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा, और माफ करने के लिए कंडन, कंडन का मतलब लिखो जल्दी से, फॉरगिव, फॉरगिव, कंस्ट्रेन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, तो ऐसे व्यवहार को नहीं रोकेंगे, नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होगा, कंडन, कंडन का मतलब होता है माफ करना, ऐसे व्यवहार को, ऐसी गलती को हम क्षमा नहीं करेंगे भाई साहब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन इज 28, फास्ट जल्दी से आंसर दो, कीप कॉर्डियल, फ्रेंडली रहो, या कीप कॉर्डियल रिलेशनशिप, अपने संबंध बिल्कुल फ्रेंडली रखिए, विद द पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ, बिल्कुल सही बात, एंड देम विद रेस्पेक्ट, और उन्हें रेस्पेक्ट के साथ क्या कीजिए, बताइए क्या कीजिए, क्या कीजिए, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी से फटाफट उनको रेस्पेक्ट के साथ क्या करें, एक बार लाइक कर दो, लाइक ठोको फटाफट, जल्दी से लाइक वाले बटन पे जल्दी से दबा के मारो फास्ट। तो पेरेंट्स के साथ संबंध अच्छे रखने, कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब लिखो भाई जल्दी से, फ्रेंडली, कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, या एमिकेबल, सिनोनियम लिख दूं, एमिकेबल, AMICABLE, एमिकेबल होता है फ्रेंडली, कॉर्डियल रिलेशंस मतलब फ्रेंडली रिलेशंस या एमिकेबल रिलेशंस। अब मैं आपको मीनिंग बताता हूं, ट्रेड, आपने सुना है ट्रेडमिल, ट्रेडमिल याद करो, ट्रेडमिल, ट्रेडमिल से, तो ट्रेडमिल मतलब चलने के काम आता है, तो ट्रेड का मतलब गो टू वॉक, टू वॉक। अब कई लोग जो है इसको यही छोड़ देंगे भाई टू वॉक, लेकिन नहीं, इसका डेप्थ मीनिंग होता है टू वॉक, टू वॉक कैसे, सिर्फ चलना नहीं होता, टू वॉक विद स्पीड या टू वॉक विद पेस, विद पेस, क्योंकि ट्रेडमिल पर हम आराम से नहीं चलते, थोड़ा तेजी से चलते हैं, तो ट्रेड का मतलब होता है किसी चीज पर तेजी से चलना। और ट्रेट क्या होता है, ट्रेट होता है बिहेवियर, लिखो, ट्रेट होता है बिहेवियर, या इनर ट्रेट आपने सुना होगा, ट्रेट होता है बिहेवियर, ठीक है, समझ में आ गया, ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर, बिहेवियर या कैरेक्टर, आपका ट्रेट कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। और ट्राइट क्या होता है, ट्राइट होता है ओवरयूज्ड, ओवरयूज्ड हिंदी में कहेंगे इसे घिसा पिटा, ट्राइट हो जाएगा ओवरयूज्ड, स्टीरियोटाइप, बिल्कुल सही कहा, घिसा पिटा, और ट्रेट आपको बताई दिया बिहेवियर या कैरेक्टर, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रीट, किस पेरेंट्स को ट्रीट नहीं करिए, उनको रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट कीजिए। 29 का आंसर ये लीजिए, आज तो मौज होने वाली है, बिल्कुल मजा आ जाएगा, 10 में से 10 तो वो ही लाएगा भाई जिसकी तैयारी अच्छी है। सर गूगल कब से लग गया, त्रिवेंद्र कुमार आर्या, गूगल, अच्छा गूगल को, अबे ओ नालायक, अबे ओ कमबख्त, ओ भाई साहब गूगल, अरे यार एक से एक लीजेंड आता है, अबे रुको मैं थोड़ा सा हंस लूं पहले, अबे भाई साहब गूगल, दैट्स नॉट गूगल, कमबख्त, नालायक, निकम्मे, तुम ऐसे ही मेरा नाम बदनाम करोगे, दैट्स नॉट गूगल मैन, दैट्स इज गॉगल्स, एंड दैट इज नॉट ऑल्सो गॉगल, दैट दीज आर गॉगल्स, दीज आर इन पेयर, आई हैव टॉट यू मैनी टाइम्स, these are called goggles, the noun that is in pair always used in plural form, what the hell you are saying man, maine socha ye google kahan se, chalo gap, work is more enjoyable than compulsory work, to bhaiya
यार अब मुझे इससे एक बात याद आ गई पुरानी। चलो सॉरी टू वेस्ट योर टाइम, मैं बाद में हंस लूंगा ठीक है। कंपल्सरी वर्क से अच्छा है अपने मन से जो, और भाई साहब काम मन से ही करना चाहिए ना कि किसी कंपल्सरी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। कंपल्सन नहीं होना चाहिए काम में, देयर शुड बी नो कंपल्सन इन द वर्क। तो टेम्परेरी नहीं, कंपल्सरी का उल्टा चाहिए आपको। तो कंपल्सरी का उल्टा क्या होगा? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब होता है अपनी इच्छा से ठीक है। वॉलेंट्री का मतलब होता है सर भैया ठीक है भाई। तो कंपल्सरी का उल्टा होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री होता है अपनी इच्छा से ठीक है। स्लेविश काम कहता हूं, नहीं ये तो नहीं है। स्लेविश तो कैसा होता है? चापलूसी भरा होता है, दास वाला होता है। स्लेविश इज रिलेटेड टू स्लेवरी ठीक है। दास वाला काम थोड़ी करेंगे आप लोग। टेम्परेरी काम भी नहीं, टेम्परेरी थोड़ी परमानेंट करना है जिंदगी में। और क्योंकि हमें तो वो छोड़ो, हमें इसका अपोजिट लेना है, कंपल्सरी का उल्टा वॉलेंट्रीली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन रेडी है एंड सॉरी टू वेस्ट योर टाइम जेंटलमैन। आई एम वेरी कहां गए नालायक त्रिविंद। चलिए आज तो आज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इट इज होप्ड, ये होप किया जा रहा है दैट अ गैप विल बी रीच्ड इन द मीटिंग, कि मीटिंग में अंत में क्या होगा। ये चीज क्या की जा रही है, ये होप किया जा रहा है कि मीटिंग के अंत में कुछ ऐसा होगा। तो भाई क्या होगा जल्दी से बता, जल्दी फटाफट। जल्दी करो फटाफट। तो मीटिंग में क्या, लास्ट में जब मीटिंग कर लेंगे सारे जो मेंबर्स हैं ज्यूरी के, तो अंत में क्या निकल के आएगा? कंपैरिजन, कॉम्प्रोमाइज स्टेटमेंट या कंप्रेशन। कंप्रेशन तो दबाना होता है। टू कंप्रेस मींस व्हाट? कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। तो कंप्रेशन थोड़ी निकल के आएगा। जल्दी बताओ फटाफट क्या आंसर होगा, डू इट फास्ट जल्दी। अरे ये कहां गया ये लीजेंड हमारा त्रिवेंद्र कुमार आर्या। आ गया भाई, आ गया त्रिवेंद्र कुमार आर्या सर। नाम खराब नहीं करना है आपका, रोशन करेंगे। वाह मेरे शेर वाह, बस तू ऐसे ही जरा पढ़ते रहना और नाम रोशन करते रहना। नालायक तेरे को तो सामने होता ना तो आज ही 20 जूते मारता निकाल के। हाँ कंप्रेसर ट्रैक्टर में लगा होता है। तो चलिए भाई साहब आपका आंसर बता देता हूं, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है एग्रीमेंट, एक सहमति। कॉम्प्रोमाइज निकल के आएगा एक, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो सभी मेंबर्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज होगा, कॉम्प्रोमाइज निकल के आएगा। तो चलिए भाई साहब आपका आंसर यहीं पर हो गया है 10 में से 10। अब जल्दी से बताओ फटाफट 10 में से 10 किसके सही है, जल्दी फटाफट 10 में से 10 जल्दी फटाफट अपना स्कोर लिख के भेजो बेटा जल्दी से फास्ट जल्दी करो। आपसे फिर बातचीत कर लेता हूं थोड़ी सी। 10 में से 10 किसका स्कोर आया है जल्दी करो फास्ट मुझे बताओ लिख के, किसका स्कोर 10 में से 10 रहा है आज? एक बार मैं पढ़ लेता हूं, अजय 10 में से 10, सोनम 10, अमन 7, अभिषेक 10, कल 9 थे आज 10, श्रेया अभिषेक 10, त्रिवेंद्र 7, सोना 10, सैली 10, भूख लग गई चल फिर जा, विशाल के 9, अजय के 10, मानवेंद्र 10, मेघा पाठक 10। चलो तो बच्चों आपने बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मेहनत की, यू आर अमेजिंग एंड हार्ड वर्किंग। नो आई एम नॉट अमेजिंग, आई एम जस्ट अ सिंपल मैन। अमेजिंग आर यू पीपल, तुम हो सारे अमेजिंग। पवन चौहान के 8 ले, इस थोड़े से पानी में डूब मर कमबख्त, 8 नंबर लेके बैठा हुआ है। लाइव क्लास कब कब होती है बेटा? रोज होती है। क्यूट किड, क्यूट किड बच्चे, दैट वैसे तो तुम हो ही क्यूट किड।
ये डेली क्लास 8:45 पे होती है, लाइव क्लास डेली होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एयरफोर्स का एग्जाम तो अभी टाइम लगेगा बेटा, टाइम का तो पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता भाई, 8:45 पे रोजाना क्लास होती है। मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है। रोशन सर पहुंच चुके हैं लेकिन अभी उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है, तो इसीलिए 2 दिन वो और दो तीन, क्योंकि क्वारंटाइन वो काफी दिन से हैं, तो अभी 2 दिन की और बात है, कल और परसों की, और फिर रोशन सर की मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये सोया रहता है, कौन सोया रहता है। तो चलो भाई बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। तुम्हारी, मैं अब जा रहा हूं, जरा मुझे भी भूख लग रही है, और तुम्हारी क्लास जो है वो 2 बजे आज ग्रामर की क्लास, वीडियो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बेसिक लेक्चर्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। मनवेंद्र सिंह, आप एनडीए के कोर्स के लिए, एनडीए का कोर्स क्रैश कोर्स 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है बेटा, तब तक पढ़ते रहो, कोई कोर्स पैसा देके नहीं खरीदना है, क्योंकि हम जो कोर्स लाएंगे, पहली बात तो आपको भरोसा है हमारे ऊपर, तो आपको पता है कि लेवल क्या होगा और मटेरियल क्या होगा उसमें, बस। और दूसरी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसीलिए कोई पैसा खर्च नहीं करना। लॉकडाउन में पैसा बहुत कीमती हो रहा है आजकल, तो पैसा कोई खर्च मत करना, कोई बाय बाय मत करो। फोन संदीप ठाकुर, नहीं मिला यार बेटा, फोन नहीं मिला, किसी कमबख्त ने, नालायक ने फोन, पता नहीं क्या, फोन नहीं मिला। शायरी, शायरी तो बेटा 150 लाइक आपने किए ही नहीं, अब लाइक 150 नहीं किए तो फिर शायरी कहां से। क्यूट किड, आपने बुक भी तो निकाली है। हाँ बेटा मैंने बुक भी निकाली है, मैं ये बुक भी तो सॉल्व कराता हूँ डेली, ये देखो जरा, ये वाली बुक सॉल्व कराता हूँ मैं, ये वाली। ओ हो, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये वाली बुक है बच्चे, इस वाली बुक को अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं तो कृष्णा सर के इसमें नंबर होगा, स्टार्टिंग में नंबर दिया रहता है, उस नंबर पे कॉल कर लेना प्लीज। सर विश, हर किसको विश करूं बेटा ये बताओ जल्दी से, विश किसको करना है, कॉल कैसे करें फिर। अच्छा कॉल के लिए भी 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। ये है 20,000 वोकैबुलरी वाली बुक, इसमें बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है बच्चे। सर आज श्रेया मिस आगरा, अच्छा सर, अच्छा बच्चों हमारे एक बच्चे का बर्थडे है आज, एक बार इस बच्चे को विश कर दो जरा, श्रेया नाम है इसका, श्रेया को विश कर दो, ये हमारा ही बच्चा है, जल्दी से आप इसको विश कर दो, फटाफट लिख दो बेटा सारे, मेरी तरफ से भी श्रेया आपको बहुत बहुत बर्थडे, बहुत सॉरी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड आई विश दैट यू अचीव एवरीथिंग इन लाइफ बट ऑन द बेसिस ऑफ योर हार्डवर्क। तो मेहनत करो बच्चे एंड यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू डिजायर, ठीक है। तो ये वाली बुक है बेटा, इसको मंगा लेना है अगर आप चाहते हो तो, बाकी नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है। हाँ भाई हैप्पी बर्थडे बच्चा, हैप्पी बर्थडे, भगवान आपको आपकी उम्र बहुत लंबी कर दे, आप 200 साल जिए, 200 से ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 200 साल भी आजकल बहुत हो जाते हैं, तो आई विश कि आप 200 साल जिए। अरे वाह, आपने तो 150 लाइक कर दिया, चलो भाई। अच्छा ये बताओ कैसी शायरी सुनना चाहोगे, ये बताओ, मोटिवेशनल या लव शायरी। 100 लाइक, 50 लाइक कंप्लीट, जल्दी बताओ बेटा शायरी कैसी सुनाए जो दिल पर लग जाए। चलो ठीक है, ऐसी शायरी सुनाऊंगा ना बेटा आज कि दिल छोड़ो, दिल और दिमाग दोनों को तबाह कर देगी। तबाह करने का मतलब बर्बाद नहीं, मतलब दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगी तुम्हारे। नफरत वालों पे फिर कभी सुनाऊंगा, रोमांटिक, अभिषेक भारद्वाज। बेटा ऋषिकेश में आके ही ना चप्पल चप्पल मारूंगा सिर में, तुझे बड़ा रोमांस चढ़ रहा है।
चलो भाई, दो लाइनें हैं बस, सुन लो, दिल दिमाग सब चीर जाएगी, दोनों दिल टूटने चाहिए, टूटेंगे नहीं बेटा, जोश आ जाएगा, दिल दिमाग कलेजा जिगर सब कुछ छू जाए, त्रिवेंद्र कुमार आलिया। अबे वो भाई, तूने क्या नशा किया हुआ है क्या आज? क्या क्या बोले जा रहा है, दिल दिमाग जिगर, क्या क्या लिख दिया इसने कमबख्त ने। चलो भाई सुन लो, जरा आप ध्यान से, अब जरा शांत हो जाओ, सुन लो एक बार, दिल को छोड़ो, जो जो इसने बोला है सब जगह टच कर जाएगी, बहुत मेहनत से लिखी है यार, अब मेहनत को खराब मत करो। पवन चौहान, दिल तोड़ने वाली, तेरा दिल तो बाद में तोड़ूंगा, अभी जरा फेफड़े चीर दे। चलो भाई भाई सुन लो अब जरा ध्यान से, मेरा दिल तोड़ने से पहले बारी आपकी आएगी। अरे मेरे दिल की छोड़ो, तो टूटा हुआ ही है। खैर सुनो मेरी बात ध्यान से, इरशाद इरशाद। चलो भाई बस अब शांत हो जाओ, शांत मन से सुनना, और दिल को अगर छू जाए ना, अगर दिल को छू जाए तो आवाज मेरे तक पहुंच जानी चाहिए, एक बार सुन लो ध्यान से। चल आ, चल आ, चल आ, तेरे पैरों पर मरहम लगा दूं ए मुकद्दर। चल आ, तेरे पैरों पर मरहम लगा दूं ए मुकद्दर। मुकद्दर समझ में आ रहा है, लक, जिसके भरोसे हम लोग बैठे होते हैं। चल आ, तेरे पैरों पर मरहम लगा दूं ए मुकद्दर। कुछ चोटें तो तुझे भी आई होंगी, कुछ चोटें तो तुझे भी आई होंगी, मेरे सपनों को ठोकर मारकर। कुछ चोटें तो तुझे भी आई होंगी, मेरे सपनों को चोटें मारकर। चल आ, तेरे पैरों पर थोड़ा सा मरहम लगा दूं ए मुकद्दर। कुछ चोटें तो तुझे भी आई होंगी, मेरे पैरों पर, सॉरी, मेरे सपनों पर ठोकर मारकर, मेरे सपनों को ठोकर मारकर। चलिए बताइए जल्दी से कैसा है। चल आ, तेरे पैरों पर मरहम लगा दूं ए मुकद्दर। कुछ चोटें तो तुझे भी आई होंगी, मेरे सपनों को ठोकर मारकर। किडनी को छू गई। इंटेस्टाइन के अंदर तक चली गई। चलो बच्चों, चलो चलो, अब एक काम करो, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करो, बहुत हो गया टाइम वेस्ट। अब 2 बजे आपकी ग्रामर की शॉर्ट वीडियोस चलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, और वीडियोस को देखना, तब तक आप वोकैबुलरी रिवाइज करो, पढ़ो, मेहनत करो, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, टेंशन मत लो, टेंशन कभी हो तो मेरा नंबर आपके पास है ही, 9997 0, सॉरी भूल गया मैं, 9997 0 3 4 7 4। तो कभी प्रॉब्लम में हो तो अपने इस बड़े भाई को याद कर लेना, ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हारना नहीं है, रोना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं आप लोग के साथ हूँ हमेशा, टेंशन मत लीजिए, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक दिन कामयाब जरूर होंगे हम लोग, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लीजिए। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे आप लोग से, जय हिंद जय भारत। वैसे 2 बजे वीडियो आएगी आपकी ग्रामर वाली, ग्रामर के शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज आएंगे, आप उनको पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।